अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। सर कम आ रही है। जी सर। चलिए ठीक है, 2-3 मिनट देख लेते हैं, सारे ऑनलाइन हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हो गए आप लोग ऑनलाइन तकरीबन? स्टार्ट करें। जी सर बिल्कुल। जी सर कर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप ये आपको नजर आ रहा होगा IEEE रेगुलेशन वाला। यस सर आ रहा है। अच्छा, मैं अभी जो डिस्कस किया था वो ये था कि एनर्जी बेस्ड होगा तो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के अंदर देखें तो ये सारे तकरीबन कॉस्ट बेस्ड हैं। ये जो 1, 2, 3, 4, 4, 5 नज़र आ रहे हैं सी के, C 1, 2, 3, 4, 5, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग में ज़्यादातर कॉस्ट इन्वॉल्व है। सिरेमिक एंड ग्लास यूनिट्स विद टोटल कॉस्ट मोर देन 50 मिलियन। 50 मिलियन कितना हो जाएगा? 50 मिलियन कितना होता है? 5 करोड़। 5 करोड़ मोर देन 5, यानी 50 मिलियन 5 करोड़ से ऊपर का होगा तो उसकी क्या होगी? IEEE होगी। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग शुगर मिल्स, बेवरेजेस, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स विद टोटल कॉस्ट लेस देन 100 मिलियन, यानी 10 करोड़ से, 10 करोड़ से अगर, एक मिनट में ज़रा ऐड 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 कर लूँ, हो गए ज्वाइन हसन? यस सर जी। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग शुगर मिल्स, बेवरेजेस, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स विद टोटल कॉस्ट लेस देन 100 मिलियन, अगर ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 110 करोड़ से कम का है और ऐसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग रही है जिसके अंदर शुगर मिल है, मेरे ख्याल में शुगर मिल तो 10 करोड़ से कम की, 10 करोड़ से ऊपर की लगती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शुगर मिल, उसके लिए एरिया आपको बड़ा चाहिए होता है, उसके लिए प्लांट बड़ा चाहिए, मैन पावर चाहिए, ठीक है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की कोई इंडस्ट्री जो कि 10 करोड़ से ऊपर की है तो लेस देन अगर 110 करोड़ से कम है तो IEEE होगी, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो उसकी EIA होगी, ठीक है। मैन मेड फाइबर्स एंड रेजिन प्रोजेक्ट्स विद टोटल कॉस्ट लेस देन 100 मिलियन। 100 मिलियन कितना हो जाएगा? वही 10 करोड़ हो जाएगा ना, ऐसे ही 100, 10 करोड़ हो जाएगा सर। करोड़ हो जाएगा ना, 10 करोड़, 100 मिलियन, 1 मिलियन का 10 लाख होता है तो 10 मिलियन का 1 करोड़ हो गया, तो 100 मिलियन का 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। सर 100 मिलियन 10 करोड़ नहीं होगा सर। कितना होगा सर? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। हाँ तो 10 में कितने होंगे? तो 10 मिलियन का 1 करोड़ होगा सर, ये 1 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट में। नहीं भाई क्या हो गया सर? वन सही कह रहे हैं आप, क्या हो गया हीरो? सर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं सर। 1 मिलियन में 10 लाख हो गए तो 50 मिलियन में कितने होंगे? 5 करोड़। सर 10 मिलियन
एक अरब का नहीं है ये, 10 करोड़ है। देखें, 1 मिलियन 10 लाख का होगा तो 2 मिलियन 20 लाख के। जी सर। 10 मिलियन और 100 लाख जो होते हैं वो 1 करोड़ बनाते हैं ना। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 लाख 100 लाख 1 करोड़ बनाते हैं, तो ये 10 लाख की बात हो रही है। कौन सही है भाई, मैं सही हूँ या ये कौन है, किसने क्वेश्चन? 10 करोड़ बनेंगे सर, डॉक्टर सामा सही है सर, 10 करोड़ बनेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। नहीं सर, ये 10 करोड़ के हिसाब से तो 10 करोड़ बनेगा। 10 करोड़ बनेगा सामा सही है सर, उसामा। हाँ, तुम तो कहोगे सर उसामा सही है, नंबर चाहिए ना तुम्हें गनी। अच्छा, बहरहाल 10 करोड़, ये 100 मिलियन जो है 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 10 मिलियन अल्टीमेटली 1 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, जब 1 करोड़ को आप मजीद 1 जीरो ऐड कर देंगे तो वो 10 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 मिलियन जो होता है वो 10 करोड़ के इक्वल नहीं, अभी रुक जाओ। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अप्रैल, ये आप लोगों का आ गया भाई, तनवीर हसान ये जितने भी डाइंग यूनिट्स में काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल, अप्रैल होता है, अपैरल होता है जो भी होता है, इंक्लूडिंग डाइंग एंड प्रिंटिंग विद डाइंग एंड प्रिंटिंग विद टोटल कॉस्ट मोर देन 25 मिलियन। मजाक है सर, ये मजाक, ये तो मजाक है। 25 मिलियन कितना, एक मशीन आएगी सर इसकी, तो एक वॉशिंग मशीन नहीं आएगी सर, 2.5 करोड़। सर ये पुराना है, उस टाइम डॉलर की वैल्यू अलग थी, अब इनको पता नहीं है ना सर के डॉलर का, तो हर हफ्ते यहाँ पे बजट निकल रहा होता है। 160 रुपए हो गया डॉलर, जब तो मेरे ख्याल में 88 का था, 2000 का, अल्लाह माफ करे सर, वो 64 इस तरह था। नहीं नहीं, इससे भी कम था, 30 रुपए था मेरे ख्याल में, मुझे अच्छी तरह याद है, 50s में था सर। हाँ, तो बहरहाल 50s में होगा, चलो 50 में भी लगा लें, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अप्रैल कोई भी डाइंग यूनिट लगाना चाह रहा है अपनी, तो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो, अगर वो 2.5 करोड़ से ऊपर की है, मोर देन टू है, तो वो IEEE जमा कराएगा। बहरहाल ये तो एक मशीनरी इसमें आ जाती है। वुड प्रोडक्ट्स विद टोटल कॉस्ट मोर देन 25 मिलियन, अगेन कोई लकड़ी का ऐसा काम करता है जिसकी कॉस्ट अगर उसको 2.5 करोड़ से ऊपर की आ रही है, तो वो उसकी IEEE फाइल करेगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जितने भी मैंने आपको हाईलाइट किए, ये कॉस्ट बेस्ड है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, ये भी आपको, अच्छा, माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग, कोई माइनिंग का या कोई मिनरल का प्रोसेसिंग यूनिट है, तो अगेन यहाँ पे ये कॉस्ट बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी हुई है, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड, ग्रेवल, लाइमस्टोन, क्ले, सल्फर एंड अदर मिनरल्स नॉट इंक्लूडेड, तो ये मिनरल की कैटेगरी में आएगा। इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, पहला एग्रीकल्चर का था, दूसरा बीज, देखें पहला हमारे पास एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक का था, दूसरा एनर्जी का था, तीसरा हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग का है, चौथा हमारे पास मिनरल का है, माइनिंग एंड मिनरल का। और इसके अंदर जो ज़्यादातर क्रशिंग ग्राइंडिंग, ये अगेन नो कॉस्ट इन्वॉल्व, क्रशिंग आप जितना बड़ा यूनिट लगा लें, ग्राइंडिंग का जितना बड़ा यूनिट लगा लें, उसकी हमेशा IEEE फाइल होगी। इसी तरह स्मेल्टिंग प्लांट्स विद टोटल कॉस्ट लेस देन 50 मिलियन, आप कोई भी स्मेल्टिंग प्लांट लगा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 50 मिलियन, यानी 50 मिलियन कितना होगा? I don't know about the word of smelting, sir, इनका क्या हो सकता है? Melt मतलब क्या होता है? पिघलाना। Melt। Melt पिघलाना होता है, smelting मतलब जला के उसको कोई नई शेप देना, गरम, जैसे हमारी वो lead की बैटरीज होती है। Foundry industry भी आ सकती है इसमें, foundry भी आ सकती है इसमें, lead battery industry भी आ सकती है। लेड बैटरी इंडस्ट्री क्या होती है, रिलेटेड जितनी है सब आ जाएंगे तकरीबन, जला के उसको कोई शेप देने वाली इंडस्ट्रीज जो भी आएंगी वो स्मेल्टिंग होगी। जैसे लोग बैटरियों का काम करते हैं, बैटरियां उठाते हैं, स्क्रैप बैटरीज उठाते हैं, उसके बाद उसको पकाते हैं, जलाते हैं भट्टियों के अंदर, और फिर जब वो बिल्कुल तकलीफ हो जाती है तो फिर उसको वो लेड की चार्ज बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे यूनिट को हम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहते हैं। अब आ जाए ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट में देखें, बाज जगह ऐसा होता है कि आप नए सिरे से रोड बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, ठीक है, और बाज जगह सिर्फ उसकी मेंटेनेंस होती है। तो मेंटेनेंस देखिए, यहाँ क्या लिखा है, फेडरल और प्रोविंशियल हाईवेज एक्सेप्ट मेंटेनेंस। ऐसा नहीं कि आपने मेंटेनेंस करनी है, थोड़ी सी उसकी मट्टी डालनी है, या कहीं से रोड अगर टूटी हुई है तो आपने उसको बिल्कुल मेंटेन करना है तो आप उसको जो उसकी IEEE फाइल करेंगे, नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। प्रोविंशियल हाईवेज होंगी विद टोटल कॉस्ट लेस देन 50 मिलियन, अगर 50 करोड़ से कम कॉस्ट है उसकी, इस हाईवे की,
तो उसकी IEEE फाइल होगी, अगर 5 करोड़ से ऊपर की है कॉस्ट इसकी तो उसकी EIA फाइल होगी, ठीक है। पोर्ट्स एंड हार्बर डेवलपमेंट फॉर शिप लेस देन 500 ग्रॉस टन्स, ये अगेन उसकी कैपेसिटी पे आ गया कि अगर इतने टन से कम है तो IEEE पोर्ट एंड हार्बर का, और इससे ऊपर है। अभी एक पोर्ट एंड हार्बर की ना एक हेयरिंग हुई थी, एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैं उसमें गया था, तो उसकी EIA फाइल की थी क्योंकि उसका ग्रॉस टन इससे ज्यादा था। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट डैम और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स, डैम एंड रिजर्वायर, अगेन ये कैपेसिटी बेस्ड है, 50 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। अगर 50 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम का है तो उसकी IEEE फाइल करेंगे। इसी तरह इरिगेशन ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स, ये भी कॉस्ट सॉरी ये कैपेसिटी बेस्ड है, 15,000 हेक्टर से कम का है तो ड्रेनेज प्रोजेक्ट जो है, अगर इससे कम का है तो IEEE फाइल होगी। इस तरह स्मॉल स्केल इरिगेशन सिस्टम विद टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट बेस्ड आ गया। फिर आगे आ जाएँ वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई स्कीम्स एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं वाटर के, विद टोटल कॉस्ट लेस देन 2.5 करोड़ से कम का है तो IEEE फाइल होगी। इसी तरह वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी है, लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए, डोमेस्टिक वेस्ट के लिए, ये कैपेसिटी बेस्ड है, अगर 10,000 क्यूबिक मीटर से कम का है तो उसकी अगेन IEEE फाइल होगी। फिर अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग स्कीम, जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उनकी IEEE बनती है। अब यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पैदा होता है, बहरिया टाउन क्या है? बहरिया टाउन में सर उसामा का एक प्लॉट है। नहीं, वो तो छोड़ दो उसको, हाउसिंग स्कीम है ना सर। तो फिर इसकी तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसकी IEEE जमा हुई होगी, इसकी फाइल हुई IEEE। शहरियार है, शहरियार हमारे साथ। EIA हुई है सर, EIA हुई है तो, लेकिन ये तो इसमें आता ही नहीं सर। EIA की कैटेगरी में है, हाउसिंग स्कीम ग्रेटर देन 10 एकड़ पे है वो। ये तो यहाँ तो नहीं लिखा, ऐसी कोई कहानी नहीं है सर। ये नहीं, सिंध वाला एप्लीकेबल है ना। अच्छा, सिंध वाला एप्लीकेबल है, चलें ठीक है, सिंध वाले को भी देखते। पंजाब में जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स बनाए आप अर्बन डेवलपमेंट के लिए, वो IEEE में फाइल होती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज विद सिग्निफिकेंट ऑफ साइट इम्पैक्ट, लाइक हॉस्पिटल है, उसका हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट हो रहा है, पब्लिक फैसिलिटी है, तो उसका IEEE फाइल करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी IEEE होगी। अच्छा, फिर आखिर में लिखा हुआ आ जाता है कि एनी अदर प्रोजेक्ट फॉर विच फाइलिंग ऑफ एन IEEE इज रिक्वायर्ड बाय द फेडरल एजेंसी। अब ये एजेंसी बाज दफा डिसाइड करती है कि इसकी IEEE जमा होनी है, ठीक। कोई भी अदर प्रोजेक्ट है जो इसके अंदर नहीं आता उसकी IEEE जमा होगी। अब आ जाइए किस पे, स्केड्यूल 2। अरे ये बात ही खत्म नहीं करती यहाँ पे इन्होंने, इन तो बहुत जल्दी बात खत्म कर दी। इन्होंने तो बोल दिया कि भाई अब इसके अलावा जो भी फेडरल एजेंसी बोले, आपको किसी को भी डीम्स बोल दे भाई, डीम नेसेसरी। हाँ, साधारण बात है, डायरेक्टर जनरल जिसको जाके बिठा के, एक्सपर्ट कमेटी को बिठाया, उनसे कहे भाई बाप क्या मशीन पैसा कैसे आएगा, तो हाँ, तो ये है चक्कर, ठीक है। अब इसमें जरा देखिएगा, मैं आपसे कहूंगा कि कुछ प्रोजेक्ट हमारे कैपेसिटी बेस्ड है। तीन चीजें याद रखिएगा, प्रोजेक्ट्स वो जो के कॉस्ट बेस्ड होंगे, प्रोजेक्ट्स वो जो के कैपेसिटी बेस्ड होंगे, प्रोजेक्ट्स वो के जो के इम्पैक्ट बेस्ड होंगे। लाइक यहाँ पे मैं बात करूंगा 2-3 प्रोजेक्ट्स की। आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। अच्छा, यहाँ पे अगेन एनर्जी की बात करूँ, अगर मैं हाइड्रो पावर जनरेशन ओवर 50 मेगावाट, ऊपर था लेस देन 50 मेगावाट, तो जो 50 मेगावाट से ऊपर का जा रहा है उसकी EIA फाइल होगी। थर्मल प्रोजेक्ट ओवर 200 मेगावाट, ठीक है। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन 11 kV या उससे अबव होगी, ग्रिड स्टेशन होंगे तो उसकी EIA फाइल होगी। यहाँ पे दो चीज़ें और आ गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाहे के छोटे हों या बड़े हों, या साइज में छोटे हो या साइज में बड़े हो, या कॉस्ट में छोटे या कॉस्ट में बड़े हो। पेट्रोलियम रिफाइनरी चाहे कोई छोटी सी लगे या बड़ी, EIA फाइल होगी। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ भी यही काम है। क्यों, वजह क्या है इसकी, रीजन कौन बताएगा सर? इम्पैक्ट ज्यादा है इसके, इम्पैक्ट ज्यादा है, न्यूक्लियर के इम्पैक्ट ज्यादा है, रिफाइनरीज के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन ये दो ये ले लें और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में आ जाएं और ये पहले तीन ले लें, ठीक है। इट बिलोंग्स नो कॉस्ट, इट बिलोंग्स नो कैपेसिटी, इन पांचों की कोई कैपेसिटी इम्पैक्ट, ये क्योंकि पांचों के पांच इम्पैक्ट बेस है तो इस वजह से हमेशा इनकी
सीमेंट को इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, सीमेंट फाइल, जैसे लकी सीमेंट लगी हुई है, जावेदा सीमेंट है और झील पार्क है, और इस तरह तीन चार सीमेंट, दीवान सीमेंट है। तो अगर कोई नया कोई सीमेंट का प्लांट लगाना चाह रहा है तो हमेशा वो EIA ही फाइल करेगा। इसी तरह केमिकल के कोई प्रोजेक्ट्स हैं, केमिकल आपको पता है केमिकल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, कोई भी फर्टिलाइजर खाद के कोई प्लांट लगाना चाह रहा है, ठीक है, चाहे वो उसकी जो कैपेसिटी या उसकी कॉस्ट कोई भी हो, कम से कम कॉस्ट भी हो तो भी उसको EIA फाइल करना पड़ेगा। फिर इससे आगे नीचे आ जाइए आप इसी तरह मैंने एक दो तीन चार पांच, और फिर मैं यहां से नीचे आ रहा हूं इंडस्ट्रियल स्टेट्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो या कोई इंडस्ट्रियल स्टेट कहीं पे लगने जा रही हो तो इंडस्ट्रियल स्टेट हमेशा EIA, जैसे हमारी कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट है तो अगर इसी तरह की कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बनने जा रही है, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगी तो उसका हमेशा क्या होगा EIA होगा। इसी तरह मैं इसको छोड़ के नीचे आया पेस्टिसाइड, मैंने आपसे कहा था पेस्टिसाइड छोटी से छोटी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन कर रहा है तो हमेशा उसकी EIA फाइल होगी। इसी तरह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है उससे रिलेटेड, तो अगेन उसकी EIA फाइल होगी। तो ये सारे इम्पैक्ट बेस्ड है। अब आ जाइए कॉस्ट बेस्ड, ये मैं कॉस्ट बेस्ड उठा रहा हूँ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग शुगर मिल्स, बेवरेजेस, मिल्क एंड, अगेन वही सारी बातें लिखी, उन्होंने लिखा है विद टोटल कॉस्ट 100 मिलियन एंड अबव, ठीक है, 100 मिलियन एंड अबव, यानी 10 करोड़ और उससे ज्यादा, 10 करोड़ का भी कोई प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली 10 करोड़ का भी कोई प्रोजेक्ट लग रहा होगा तो उसकी EIA फाइल होगी, ठीक है। मैन मेड फाइबर्स का 100 मिलियन एंड अबव, इसी तरह 10 करोड़ या उससे ऊपर होगा तो उसकी हमेशा EIA फाइल होगी। और मैं अगर नीचे आ जाऊं तो ये आ जाए सिंथेटिक रेजिन्स, प्लास्टिक एंड मैन मेड फाइबर्स, प्लास्टिक एंड पेपर बोर्ड्स, पेपर पल्पिंग हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्सटाइल एक्सेप्ट अपैरल। अपैरल क्या होता है, तौलिया कहते हैं, अपैरल किसे कहते हैं, ये टेक्सटाइल काइंड ऑफ, ये वही होती हैं, बेड शीट्स ही होती हैं सर, ये बेड शीट्स होती हैं। तो बेड शीट्स के अलावा जो भी काम हो रहा होगा, प्रिंटिंग हो गया, पब्लिशिंग, पेंट्स, डाइज हो गया, ऑयल एंड फैट हो गया, वेजिटेबल घी प्रोजेक्ट्स। अच्छा, घी इंडस्ट्री की हमारे यहाँ जो लगती है उसकी तो IEEE होती है नॉर्मली, शहरियार ऐसे ही है ना, वेजिटेबल घी की? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, अगेन यहाँ पे भी वही वाली बात है ना, देखें आगे पढ़े सर, विद टोटल कॉस्ट मोर देन 10 मिलियन, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो कॉस्ट बेस्ड जमा नहीं होता। नहीं नहीं, यहाँ पे भी कॉस्ट बेस भी होता है, और अगर मैं घी की बात करूँ ना तो सर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डालडा की बात करूँ तो डालडा जैसी कंपनी जब भी लगेगी ना तो उसकी यही होगी, छोटी मोटी होगी तो फिर जाहिर है कि उसका कम होगा, कॉस्ट कम होगी। तो यानी पाकिजा घी वाले बना रहे या कोई भी बना रहे छोटी इंडस्ट्री, तो नाम के टैग की वजह से EIA हो जाएगा? जी जी। क्यों? नहीं नहीं सर, हैवी है ना, प्रोडक्शन लोड ज्यादा है ना उसका। अच्छा, और उसका प्रोडक्शन लोड कम है, ठीक है, कैपेसिटी ज्यादा है उसकी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीजों को डाल दिया है, ये सारी चीजें, मतलब मैं सिंथेटिक रेजिन की बात करूँ, सिंथेटिक रेजिन है 10 मिलियन से ज्यादा है, प्लास्टिक एंड मैन मेड फाइबर है 10 मिलियन से ज्यादा है तो EIA, और ये 10 मिलियन से कम है तो IEEE, ऐसे ही है ना। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल हो गया, पेंट्स एंड डाइज हो गई, ऑयल एंड फैट्स हो गया, वेजिटेबल घी प्रोजेक्ट्स हो गए, इन तमाम प्रोजेक्ट्स की अगर कॉस्ट 10 मिलियन से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब उसकी EIA फाइल होगी। अब वही अगेन इम्पैक्ट बेस्ड, टेनिंग एंड लेदर फिनिशिंग प्रोडक्ट्स, टेन इंडस्ट्री कौन सी होती है? टेनिंग इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री है जिसके अंदर क्रोम यूज होता है, क्रोमियम यूज होता है, तो हमेशा आपको पता है क्रोमियम इज अ हैजर्ड, तो ऐसी इंडस्ट्रीज, चमड़ा इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, चमड़ा की हमेशा EIA फाइल होगी। माइनिंग के ऊपर वही चीजें आ गई, माइनिंग ऑफ, अच्छा कोल की माइनिंग होगी तो EIA होगी, कोल इंपॉर्टेंट है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, लेकिन गोल्ड और कॉपर अगर इनकी EIA होगी तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ पे कितना सोना है इनके पास, ये तो नहीं आना चाहिए यार। सर हमने जो है ना कोल अपनी उसका गोडाउन का IEEE और EIA दोनों फाइल की। क्यों?
सर रिक्वायरमेंट थी जो है ना, उन्होंने कहा था कि भाई दोनों जमा होगी, पहले हमने आई डबल ई की थी, उन्होंने कहा था कि आप साथ में जो है ना ईआईए भी जमा कर लें। नहीं, वो जमा ही आपको ईआईए जमा करानी थी, उसकी रीजन ये है कि कोई भी गोल्ड या कॉपर या माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर प्रेशियस स्टोन भी आएगा, वो भाई आपको बताना है, ठीक है? तो माइनिंग एंड प्रोसेस क्या कह रहे, ठीक है सर, ठीक, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेजर नॉन फेरस मेटल्स आयरन एंड स्टील रीरोलिंग, यहाँ सिंध में तो स्टील रीरोलिंग का, स्टील रोलिंग का जो है आईडब्ल्यू में फाइल करता है, यहाँ पे क्यों ईआईए कर दिया इन्होंने? नहीं नहीं सर, सिंध में भी जो है स्टील रोलिंग मील को ईआईए के अंदर ही कैटेगराइज किया गया है, वो अलग सी बात है, यहाँ के लोग करवाते नहीं है ना। अच्छा जी जी, मतलब इंडस्ट्री लगाने के बाद फिर जब जाहिर है कि आप जा रहे हैं डिपार्टमेंट पे अप्रूवल के लिए, तो एक चीज ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल फेज पे तो ईआईए नहीं की जा सकती, ठीक है वो, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज को तो फिर वो हेयरिंग में तो जाना चाहिए उसको। हेलो, तो सर अब इन्होंने ये कर दिया है ना कि ऑलरेडी अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर भी लिए तब भी आप ईआईए स्टडी करवाएंगे खुद को, एनालाइज करें पूरा, और देन फिर उसके बाद जो और उसका वो जुर्माना भी भरें। स्पेल्टिंग प्लांट्स विद टोटल कॉस्ट 5 करोड़ से ऊपर के हैं तो ईआईए होगी, ठीक है? इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट पे आ जाइए, ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको कहा था ना कि एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स नो कॉस्ट, एयरपोर्ट तो लगता ही महंगा है वैसे भी, तो एयरपोर्ट जहाँ लगेगा उसकी हमेशा ईआईए होगी, क्योंकि उसके उसकी नॉइस एक इशू है, उसका एरिया एक इशू है, उसके हेल्थ इम्पैक्ट एक इशू है, तो इस वजह से हमेशा उसकी ईआईए फाइल होगी। फेडरल और प्रोविंशियल हाईवेज एक्सेप्ट मेंटेनेंस, और उन्होंने क्या लिखा है, विद टोटल कॉस्ट लेस 50 मिलियन एंड अबव, 5 करोड़ से ऊपर के हैं तो उसकी ईआईए फाइल होगी। पोर्ट्स एंड हार्बर डेवलपमेंट, ठीक है, रेलवे वर्क्स, ये बड़े इन्होंने उलझी हुई चीज़ डाल दी, रेलवे वर्क्स यानी आप कराची सर्कुलर रेलवे ऑलरेडी जो बिछी हुई है उसको आपने ठीक करना है, तो उसकी भी ईआईए होगी, ये मुझे क्लियर नहीं है, इट इज़ नॉट क्लियर, ये पॉइंट इन्होंने सही नहीं डाला मेरे हिसाब से, मैं ये कहूँगा बिल्कुल होगी, क्योंकि नहीं सर बिल्कुल होगी, रेलवे वर्क से काफी इंपैक्ट्स निकलते हैं, वो ठीक है, आपकी बात सही है। आज मैं अपनी माड़ी से वापसी पे आ रहा था, उसके लियारी एक्सप्रेस वे से उतरा तो सामने ना बिल्कुल वो बड़ी बड़ी पटड़ियाँ रखी हुई थी रेलवे रोड्स की, और वो रखे हुए थे, तो क्या इसकी ईआईए सबमिट हुई होगी? ये तो ऑलरेडी सर देखें ऑलरेडी नहीं ऑलरेडी बनी हुई तो थी, वो तो उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या मेंटेनेंस पे भी तो रेलवे वर्क्स आता है क्या, तो क्या उसकी भी फाइल होगी ईआईए? सर मेंटेनेंस तो यहाँ पे देखें ना, एक मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस तो उसकी की जाती है ना जो एक चीज एग्जिस्ट कर रही हो, यहाँ पे तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना पूरी, कई जगहों पे तो आपकी पटरियां निकाल के साइड में रख दी गई है, तो फिर वो दोबारा से रिफॉर्मिंग जब की जाएगी तो वो तो फिर एक तरीके से काउंट होगा। अच्छा। तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट सोशल इंपैक्ट्स बहुत आ जाएंगे ना, लोग तो शोर मचा रहे हैं ना अभी भी मचा रहे हैं। तो अच्छा बहरहाल रेलवे वर्क्स, वाटर मैनेजमेंट डैम्स इरिगेशन, वही बात ऊपर जो 50,000 एकड़ से हेक्टर से ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ईआईए होगी, 50 मिलियन से स्टोरेज वॉल्यूम उसका कम होगा तो सॉरी ज्यादा होगा तो उसकी ईआईए फाइल होगी, और वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट उसका उसी के अगेंस्ट आ गया 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़। सर ये मैंने वहाँ पे किया था, ये जो बीएबी बोलन माइनिंग एंटरप्राइजेस इनका एक प्लांट इंस्टॉल हुआ है वहाँ पर हुसदार में, तो सर इसी जो हम लोगों ने इसका किया था वो आईडब्ल्यू कराया था, किसके लिए? वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आप, कराया था ईआईए नहीं, ये बोलान माइनिंग एंटरप्राइज इनका जो एक वो है, नहीं तो ये गलत किया ना, उसका तो ईआईए होना चाहिए था, उसका तो ईआईए होना चाहिए था, ईआईए नहीं कराया था, नहीं तो होना तो ईआईए चाहिए था माइनिंग इंडस्ट्री। चलें बहरहाल, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई स्कीम ट्रीटमेंट प्लांट्स जिनकी 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत होगी तो ईआईए फाइल होगा। वेस्ट डिस्पोजल अगेन वो जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, लैंडफिल्स, अच्छा वेस्ट डिस्पोजल और स्टोरेज ऑफ हैज़र्डस एंड टॉक्सिक वेस्ट इंक्लूडिंग लैंडफिल, जहां पे ये चीज आ जाएगी ना हैज़र्डस एंड टॉक्सिक वेस्ट, ये आवाज जरा साइड में, सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या कह रहे हैं
मैंने आपसे सवाल किया कि जो बोलान माइनिंग का प्लांट वहां पे इंस्टॉल हुआ था ना खुजदार में, तो वहां पे हम लोगों ने IEEE कराया था। क्यों कराया था? क्या लॉजिक है बलूचिस्तान? अब मुझे क्या पता आपने उसकी कॉस्ट क्या थी उस प्रोजेक्ट की, उसके इंपैक्ट्स क्या थे? वो तो 50 मिलियन से बहुत ही जाहिर है, क्योंकि प्लांट इंस्टॉल हो रहा है ना, प्लांट में बलूचिस्तान में था ना वो, बलूचिस्तान में था ना वो, बलूचिस्तान में था, तो वो तो बलूचिस्तान की रेगुलेशन देखनी पड़ेगी, तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, बलूचिस्तान में भी यही रेगुलेशन किया जाता है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान के अंदर जो है ना थोड़ा सा इन चीजों को के ऊपर देखी नहीं जाती है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ कैटेगराइज कर रहा है कहाँ नहीं, बस वो उनको करवाने से मतलब होता है। वो भी है ना, कह सकते हैं। अब ये इनको पता है कि वहाँ की उसकी कितनी कॉस्ट थी या उसका इम्पैक्ट क्या था या उसको फाइल उन्होंने जमा कराया और उनको पता नहीं चला और उन्होंने अप्रूवल भी करा ली, तो इट डिपेंड्स के आप किस तरह उसको ट्रीट करते हैं या एजेंसी कैसा उसको देख रही होती है। IEEE जो करा रहे हैं ना, उसमें EPA पे इन्वॉल्व होता है ना। हाँ, तो EPA ने गलत उसको नहीं देखा ना, उसको बलूचिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने उसको सही नहीं देखा ना, इसका मतलब हम तो ये कहेंगे। सर मैं अभी चलो पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की जो आप लेटरली जो है वो बनी है मोटरवे राजनपुर से वहां तक केपी के तक, तो सर वहां का भी जो इन्होंने कराया है वो भी IEEE कराया है ना? नहीं, वो अच्छा, वो किसकी थी, मेंटेनेंस की थी? वो तो मेंटेनेंस में आएगा ना, मेंटेनेंस में तो IEEE होगी मेरे ख्याल में, मेंटेनेंस ऊपर लिखा हुआ है ना कि एक्सेप्ट मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हैं किसी भी रोड की तो वो IEEE फाइल होती है उसकी, नहीं बनेगी तो EIA होगी उसकी। ठीक है, तो इसी तरह वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, हैजर्डस वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है, और आपने उसकी फैसिलिटी लगानी है जिसके अंदर लैंडफिल साइट्स भी आ गए, इंसिनरेशन प्लांट्स आ गए, कोई इंसिनरेटर लगा रहा अपना टॉक्सिक वेस्ट के लिए, तो उसकी EIA फाइल होगी। वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट विद एनुअल कैपेसिटी मोर देन 10,000 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है, तो इससे ऊपर कैपेसिटी है तो उसकी EIA होगी। अर्बन डेवलपमेंट, कोई लार्ज सिटीज बना रहे हैं आप, बड़े बड़े शहर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी EIA फाइल होगी। लार्ज स्केल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद टोटल कॉस्ट मोर देन 50 मिलियन, 5 करोड़ से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी, और इसी तरह ऑल प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया, ये एक पॉइंट है। हर वो प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया के अंदर लाए करेगा उसकी EIA होगी। फिर मैंने उनको कहा है, फिर मैंने जाके सुनील को भी कहा है, फिर मैंने सुनील को ये कहा है कि भाई जैसे थोड़ा सा काम करना। आवाज कम करो गनी, तुम्हारी आवाज आ रही है। अदर प्रोजेक्ट्स, एनी अदर प्रोजेक्ट फॉर व्हिच फाइलिंग ऑफ एन EIA इज रिक्वायर्ड बाय द फेडरल एजेंसी, वो फेडरल एजेंसी डिसाइड करेगी। यहाँ पे एक और बात लिखी है, एनी अदर प्रोजेक्ट लाइकली टू कॉज एन एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट, हर वो प्रोजेक्ट जो कि एडवर्स एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट कॉज करेगा वो EIA फाइल करेगा। स्केड्यूल 3, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फीस कितनी है इसकी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि कौन सा प्रोजेक्ट्स IEEE में लाए कर रहा है, कौन सा EIA में लाए कर रहा है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे। सर काइंडली एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरियाज बता दे जरा, किसी को पता है एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया के बारे में? हाँ सर, अभी आपने बताया था ना, सर अभी तो आपने बताया कि वेटलैंड्स हो गए या कोई पार्क वगैरह हो गए या कोई इस तरह की हाईली कोई प्रेजेंट सर कोई एग्जांपल दे जरा काइंडली सर, प्लीज बताएं यार। अभी तो मैंने बताया हमारी केंजर झील है ना, करली झील, केंजर झील है, करली झील हो गई। इसी तरह आपका वो जो नया वो निकला है ना, वो कौन सा है जिसके अंदर डाइव करके नीचे जाते हैं, कौन सी जगह है वो? चरना आइलैंड है वो, हमारा क्या है वो सेंसिटिव एरिया है, और आपकी हिंगोल नेशनल पार्क है। सर बोले सर, मेरा एक सवाल था, मैं दे जाऊंगा सर, मेरा एक सवाल है पहले, बोले सर। जैसे फर्ज करें मेरी एक कंपनी बनाई, सही, मैंने उसका EIA वगैरह करवा लिया, IEEE जो भी था, ठीक है, अब मैं उसी के अंदर समझ लें 7 स्टोरेज या 8 स्टोरेज बिल्डिंग खड़ी करता हूँ, तो
उसके लिए अलग से करवानी पड़ेगी या वो उसी के अंदर कवर हो जाएगा? बताएं शरीयत भाई, नई कंस्ट्रक्शन है ना तो आपको करानी पड़ेगी आई डबल ई नहीं, लेकिन सर बाउंड्री तो वही है जो जिसकी पहले ईआई हो चुकी है। देखिए मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट जमा कराया है, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी का उन्होंने प्रोजेक्ट जमा कराया, वो उसने ना ऊपर ऑफिसेज बनाए सिर्फ, यानी नीचे फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पे अपने ऑफिसेज बनाए, तो भी उसने चेकलिस्ट या जो भी है आईडब्ल्यू उसने जमा कराई है। ये मैटर नहीं करता कि बाउंड्री है या नहीं है, यानी होगी ना, होगी बिल्कुल होगी। ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है ना, टेक्सटाइल यूनिट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती है ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है ना, वो कहां लगाती है? बाउंड्री के अंदर ही लगाती है, ऐसे ही है ना। बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं, ऐसे ही होता है। चले बाहर बहुत कम होते हैं, लेकिन नॉर्मली बाउंड्री वॉल के अंदर होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन करा रही होती है तो भी उसको आईडब्ल्यू फाइल करना पड़ता है। तो अब जैसे एक एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये हाथ किसने खड़ा, कोई क्वेश्चन पूछना है? जैसे कोई स्टेट है, कोई जैसे बहरिया टाउन बन गया पूरा, मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन किसने पूछा है? नुमान देखो बहरिया टाउन है बहुत बड़ा, अब बहरिया टाउन एक बाउंड्री वॉल बन गया, ठीक है, अब बहरिया टाउन के अंदर भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, ऐसे ही है, तो हर बिल्डिंग का ईआईए होता होगा, पता नहीं वो जमा कराता नहीं कराता, सर वो तो पैसे जमा कराता होगा बस। शहरयार होता है वहां पे बहरिया टाउन में? हेलो, देखो शहरिया बहरिया टाउन बनाया हमने, बहरिया टाउन की अप्रूवल के लिए हमने ईआईए फाइल कर दिया, ठीक है, एक हाउसिंग स्कीम बन रही है। अब उसके अंदर एक 15 मंजिला या 16 मंजिला या 20 मंजिला इमारत बन रही है, तो उसकी अगर अलग से ईआईए होगी ना? बिल्कुल होगी, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है ना। आपने बाउंड्री के अंदर भी अगर कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी आईडब्ल्यू। मैं आपको इसको इस तरह से एग्जांपल देता हूं, मैंने काम किया था सफायर इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया ना, ठीक है, ये है बुलारी पर, ठीक है, वहां पर क्या है कि 125 एकड़ इनकी लैंड है, उस 125 एकड़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ये जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने पूरी लैंड की जो है वो अप्रूवल ली है, फिर उसके अंदर कंडीशन ये डाली गई है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी वो अपना एनवायरमेंटल अप्रूवल या एनवायरमेंटल असेसमेंट लाजमी करवाएंगी एज पर दी रेगुलेशन प्रोसेसिंग जोन के अंदर। जी जी जी, हाँ ये ऐसे ही होता है। देखें आपने एक जोन बना लिया और उसके अंदर फर्दर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है तो अल्टीमेटली उसको उसकी अप्रूवल लेनी है। एक इंडस्ट्री है वो एक्सटेंशन कर रही है, एक इंडस्ट्री है वो एक्सटेंशन कर रही है, तब भी उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर सर जी जी कंसा सर, मुझे यहाँ पे एक चीज शेयर करूंगी कि मैं यहाँ पर हम ईआईए की बात कर रहे हैं, तो मैं एक जगह पे जॉब करती थी, ईटीपी था फेज 8 में, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट था डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का। सर वो लोग, उनका जो प्लांट था वो इतना अच्छा भी वर्किंग नहीं करता था, कभी कभी चीजें मशीनरी खराब हो जाती थी, कभी कोई पंप खराब हो जाता था, कभी कोई चीज खराब हो जाती थी, तो वो लोग सर क्या करते थे, जब ओवरफ्लो होता था ना तो उसको बायपास कर देते थे। तो ये अब बायपास इनकी जुबान में ये होता था कि बायपास कर दिया, मतलब उनका एक पाइप था जो अंडरग्राउंड था और वो सीधा समंदर में डंप होता था, ठीक है। अच्छा, तो वो बायपास करके सारा गंदा पानी जो है वो बगैर ट्रीट किए समंदर में फेंक देते हैं, ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ईआईए करवाई भी अगर होगी इन लोगों ने या नहीं, क्योंकि मलेशियन कंपनी थी जब प्रोजेक्ट बनाया था तो वो एक मलेशियन कंपनी ने बनवाया था, तो ऑब्वियसली ईआईए उसका हुआ होगा या आईडब्ल्यू हुआ होगा, लेकिन सर उसके बाद तो कोई चेक एंड बैलेंस हुआ ही नहीं कि हम जो है एक प्लांट वाले जो है वो पानी को बायपास कर रहे हैं, अनट्रीटेड वाटर है वो सीधा समंदर में जा रहा है, इतनी मछलियां मर रही है, सारी चीजें हो रही है, इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्री है। हालांकि होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, ये जितनी भी डाइंग यूनिट्स हैं, जितने भी डाइंग यूनिट्स हैं, इनको जब ये अपनी कोई भी टेक्सटाइल यूनिट अपना यूनिट लगा रही होती है तो वो ईआईए जमा कराती है मिसाल के तौर पे। अब वो ईआईए उसने जमा कराया, उसके बाद जो है अब उसने ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भी उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यानी एक फैसिलिटी के अंदर भी आप कोई फैसिलिटी ऐसी चीज बनाने चाह रहे हैं तब भी रेगुलेशन अप्लाई होगी। देखो ना ऐसा भी होता है कि अगर चेक एंड बैलेंस के लिए आ भी जाते हैं ना तो दो तरीके होते हैं, एक तो वो पाइप इस तरीके से निकालते हैं कि आप खुली आंखों से देख नहीं सकते उनको,
सही है, बहुत ही छुपा के ना घुमा फिर आगे निकालते हैं, और दूसरा अगर पकड़े भी जाते तो पैसा खिला के बात को जो है ना वो दबा देते। इसके इसके लिए स्टैंडर्ड है कि कंटिजेंसी प्लान बनता है, किसी भी ड्रॉबैक की सूरत में इसको आप कंटेन साला जो है वो आप ड्रेन करोगे, लेकिन ईपीए को इन्फॉर्म करोगे, ये स्टैंडर्ड है। वो तो पहले आपको प्रोटेक्शन एजेंसी को बताना होता है ना कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, और अगर आपने नहीं बताया तो फिर सर वो तो बता दिया ना, वो तो बता दिया सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद तो कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। ये बाईपास की बात कर रहे हैं, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ना होगी। बाईपास से बताया थोड़ी जाता है सर, और ये पता नहीं कंजा क्यों एक्सपोज कर रही है पब्लिकली इस बात को। सर बताया नहीं जाता, लेकिन एक क्वेश्चन था कि उस पे कोई पेनल्टी तो मैंने नहीं देखी पूरा एक साल जॉब। अगर वो सीपा को पता चल जाए या बीपा को पता चल जाए तो वो पेनल्टी लगा सकती है, उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि इनकी इंस्पेक्टर वैसे भी वेस्ट वाटर के सर जो लॉज है ना इनके सर उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। ये जब आपके पास विजिट करने आते हैं तो आपको एक बिल्कुल नया कानून बताते हैं, हालांकि जो इनके उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपसे बोलेंगे कि आप आउटलेट पे मीटर भी लगाएं, भाई कोई उनकी लॉ में नहीं है कि आउटलेट पे मीटर होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो जब आपके पास आएंगे तो स्टॉल है, कोई गाइडलाइंस नहीं है इनकी ना। और सर उसमें ये सीन होता है कि वाटर की क्वालिटी चेक करवा के सामने रख देते हैं, नहीं और सर बताते हैं कि ये हमारी ट्रीटमेंट है, ट्रीटेड वाटर है, और ये वाला जो है अनट्रीटेड है, तो वो मतलब बहुत वाज़े फर्क होता है, लेकिन उसमें भी वो दो नंबरी करके कर रहे होते हैं सारी चीजें। नहीं वो करते ही है कि वो सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, लेकिन वो आप ही को देते हैं टेस्ट करवाने के लिए। और सर उनके जो लैब में आता है ना वो हमेशा टीडीएस जो है ज्यादा आती है और सीओडी आउट आती है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो फाइल में कितनी दफा हुआ हमेशा हुआ है कहां से कहां तक गेम है इसके पीछे। अच्छा उनको एक चीज और भी नहीं पता होती कि वो टीडीएस जो है ना TDS हमेशा ज्यादा होती है वेस्टवाटर की, क्योंकि वो उसके ऊपर डिजाइन ही नहीं होता, वो बोलते हैं नहीं TDS ज्यादा है इसकी। सर वेस्टवाटर में TDS के लिए है ही नहीं, TDS की मैटर नहीं करती सर। वो सर वो पता होता ना हमारे 3500 का लिमिट पता है, TDS के लिए बने ही नहीं होते। सर ये बताएं आरओ का रिजेक्ट आरओ कर सकते हैं सर, हमारे से कुछ बता दें। नहीं आरओ सर ये बताएं आरओ के रिजेक्ट के ऊपर क्या लॉ है, उसका कोई लॉ ही नहीं है आरओ का, कोई भी लॉ नहीं है। उसके ऊपर हमारा क्या लॉ है एग्जाम का तो बताते हैं, एग्जाम पे भी एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में क्लास क्लास तकरीबन सर हो चुकी है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ अटेंडेंस। हाँ ना सर मेरे ख्याल में प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। गैलेक्सी वाले कौन है, गैलेक्सी G5 सर मैं हूँ, मैं सर मैं अच्छा कंजा मोहम्मद तहसीन बदन सर बदर इकबाल प्रेजेंट सर मोहम्मद राहिल यस सर प्रेजेंट मोहम्मद अय्यूब प्रेजेंट सर प्रेजेंट नयरीन अरशद प्रेजेंट सर शहरयार अहमद प्रेजेंट तनवीर प्रेजेंट सर इशरा महक प्रेजेंट नोमान अहमद प्रेजेंट सर अमजद हुसैन राजपूत प्रेजेंट सर फवाद जी सर हसन अहमद कुरैशी जी सर प्रेजेंट मोहम्मद उमर प्रेजेंट मुश्ताक प्रेजेंट सर तनवीर प्रेजेंट सर और एक बंदा गायब होगा उस्मान है सर अभी तो बोल रहे थे नहीं नहीं उस्मान जी सर प्रेजेंट अच्छा अच्छा आधा लेक्चर तो सर आधा लेक्चर तो उन्होंने शुरू में आपसे डिस्कस किया सर गनी सुभान भी नहीं है गनी सुभान भी नहीं है इरफान पटेल सही है जनाब ठीक है ठीक है ठीक है हो गया सर मेरा नाम भी नहीं आया मेरा नाम है माहम माहम हाँ जी सर उसामा वंस अगेन सैयद अनस भी सैयद अनस बस टाइम खत्म हो गया तकरीबन जवाद नाज़िम भी जवाद नाज़िम सॉरी जवाद अब सर ग्रुप में प्लीज पेपर के डिसाइड कर ले बाद में सर कल तक कल परसों एक सेशन जी सर जवाद भी फिर डिस्कस करते हैं
ओके नहीं ना सर अभी बता दे okay. कल अभी टाइम खत्म हो रहा है अभी टाइम सर वेडनेसडे को हमारी डॉक्टर राशिद की एक्स्ट्रा क्लास है सर 8 बजे अच्छा सर कल एक क्लास